الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तो आज मैं आपको रियल लाइफ कायद से बातें उसकी एक रियल स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। एक दफा का जिक्र है कि एक ऑफिस था, कायद आजम का ऑफिस। उसमें एक तरफ कायद आजम बैठे हुए थे, उनके साथ फातिमा जना थी, और उस ऑफिस में सामने चेयर्स लगी, जैसे दीवार के साथ चेयर्स लगी होती है ना, उस तरह से चेयर। और जैसे कायद आजम का ऑफिस होता होगा उस वक्त में, उसी तरह का ऑफिस था। तो उसमें एक अंकल बैठे हुए थे, और वो अंकल जो है ना, वो फॉलो करते हैं, आपको पता है कि जो आजकल मुल्क के हालात चल रहे हैं, बच्चों को भी पता होना चाहिए, फैमिलीज को भी, बॉयज गर्ल्स बड़ों छोटों सबको पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में बुरे हालात हैं आजकल। बहुत सारी वजह होती हैं इसकी, लेकिन अभी ये जो रिसेंटली पूरे मुल्क में हंगामे हुए, कहीं आग लगी, कुछ लोग फौत भी हुए, वो उसमें पैसे क्या वजह बनी? इसलिए कि पॉलिटिशियंस के हम अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के उनको फॉलो करने के बजाय ऐसे लोगों को फॉलो करने लग जाते हैं जिनके ऊपर, जो हमें पॉलिटिक्स की तरफ बुलाते हैं, जो हमें लड़ाई झगड़े की तरफ बुलाते हैं, जो हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ उकसाते हैं, जो हमें एक दूसरे का मजाक उड़ाने का कहते हैं, किसी का कोई नाम, बुरा नाम रख दिया, किसी का मजाक उड़ा दिया, किसी को बुरा भला कह दिया, इस तरह की बातें कहते हैं, और उनको करने की वजह से ये सब हुआ ना, अभी ये जो मुल्क में रिसेंटली हंगामे हुए हैं। तो असल में ये जितने भी ये जो एक पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़, असल जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है ना, वो खिलाफत है। जैसे हज़रत उमर की खिलाफत थी, हज़रत उस्मान की, हज़रत अली की, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा, उनकी खिलाफत थी, जो अल्लाह का हुक्म होता था वही उसको इम्प्लीमेंट करते थे अपनी तरफ से, उसमें वो कुछ भी नहीं डालते थे। तो वो खिलाफत का जो सिस्टम होता है वो सही इस्लाम का सिस्टम है। तो इसके अलावा किसी भी पॉलिटिशियंस वगैरह के पीछे भागना इस्लाम के खिलाफ है। इसी वजह से हंगामे भी होते हैं, इसी वजह से महंगाई भी होती है, इसी वजह से मुल्क में जितने इश्यूज़ होते हैं ना, कभी चीनी कम हो रही है, कभी आटा कम हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, तो अल्लाह नाराज़ होता है। तो इस वजह से फिर अल्लाह ताला हालात भी ख़राब कर देता है। तो खैर, तो वो अंकल बैठे हुए होते हैं, उस बच्ची के कुछ रिश्ते में लगते हैं वो, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान के बारे में बहुत मायूस होते हैं ना। तो वो जो लड़की होती है वो ज़ोर से चीख के कहती है कि इमरान खान नवाज, मतलब वो ये ज़ोर से, वो जो होते हैं ना, वो इमरान खान को फॉलो करते हैं, एक पॉलिटिशियन को फॉलो करते हैं, तो वो उस पॉलिटिशियन का नाम लेकर ज़ोर से कहती है कि वो मर जाएगा। अब ड्रीम सिम्बॉलिक भी होते हैं, अल्लाह नोज़ कि वो एक्चुअल में मरने की बात हो रही है कि वाकई में मर जाएगा, मरना तो सब नहीं है। तो वो अंकल आगे से कहते हैं, वो जो भी होते हैं, वो जो आदमी होता है, वो बहुत वो भी ज़ोर से कहते हैं इस तरह, तो नवाज शरीफ भी मर जाएगा। तो वो फिर वो लड़की कहती है कि हाँ वो जाएगा, और सब जाएंगे, यानी वल्लाह वालम, इतनी तरह से मरना तो सब नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियंस ये जितने भी हैं जिन्होंने मुल्क को गलत डायरेक्शन में चलाया है, उनकी बात हो रही है। वो फिर कहती है कि सब जाएंगे और खिलाफत आ जाएगी, अब इमाम महदी आएंगे, खलीफा आएगा, और वो जो बैठे होते हैं, वो जो अंकल बैठे होते हैं, वो जो आदमी होता है बैठा हुआ, तो वो ना ऐसे सर को हिला के ना ऐसे शो करता है कि जैसे नामुमकिन। तो वो फिर लड़की ऐसे शहादत की उंगली, शहादत की उंगली, आपको पता है जब उठाया जाता है तो वो फिर
इसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला की गवाही देना, हक की गवाही देना। तो वो ऐसी उंगली उठा कर कहती है ऊंची हवा में और जोर से कहती है कि मेरा अल्लाह नामुमकिन में से ही मुमकिन का रास्ता निकालता है, जोर से ऐसे कहती है। और फिर वो कहती है कि मेरे कायद ने कहा है कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से बना है। फिर वो जोर से कहती है कि और इसका एक मकसद है पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कहकर फिर वो कुर्सी पे बैठ जाती है लड़की, और मतलब वो जो होते हैं ना अंकल और जो भी आदमी होते हैं उनके साथ बैठ जाती है उसके रहने के लिए। तो वो फिर कहती है कि देर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू पाकिस्तान, और फिर वो सामने देखती है तो सामने ना एक ब्राउन कलर का वुडन टेबल होता है मीडियम साइज का, और उसके पीछे कायद आजम बैठे हुए होते हैं, कायद आजम खड़े हुए होते हैं, और उनके साथ ना उनसे मिलती जुलती शक्ल की एक औरत भी खड़ी होती, शायद फातिमा जना ही होंगी, वो उनकी शक्ल भी मिलती थी, वो स्लिम भी थी बहुत, और कायद आजम ने ब्लैक कलर की शेरवानी पहनी होती। तो वो काफ़ी हंसी खुशी बातें कर रहे होते हैं ना दोनों एक दूसरे के साथ, कायद आजम और फातिमा जना, और जो कायद आजम होते हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। तो वो फिर यानी वो मुस्कुरा के ना जब ये कहती है ना कि देर इज नो पावर दैट कैन अंडू पाकिस्तान, और ये कहती है कि पाकिस्तान का एक मकसद है यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब वो ये कहती है कि पाकिस्तान में अब इमाम मादी आएंगे, खिलाफत आएगी, ये सारी बातें वो जब करके जब कज़न की तरफ देखते तो वो मुस्कुरा के एग्रीमेंट के अंदाज में उसको देख रहे होते हैं कि हाँ अपनी सही कहा है, और यहाँ पर उस लड़की का ड्रीम ख़त्म हो जाता है। ठीक, और ये ड्रीम क्योंकि ये अच्छा ड्रीम है ना, और इसमें एक खैर की बात है, और इसमें हमें बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान एक मकसद के तहत बना है और वो मकसद ज़रूर पूरा होके रहेगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान जब बना था इस्लामिक डेट क्या थी, 27th of Ramadan की नाइट थी, यानी लैलतुल कदर थी, जिस दिन अल्लाह ताला फरमाता है बाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम के इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर, कि हमने कुरान को लैलतुल कदर में नाजिल किया। लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि हमने, जब हम कहते हैं ना इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमने कुरान, अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने कुरान को लैलतुल कदर में नाजिल किया, हालांकि अल्लाह ने इसमें जिक्र नहीं किया कि किस चीज़ को लैलतुल कदर में नाजिल किया। अल्लाह का हुक्म भी हो सकता है, कुरान भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है। कुरान को भी अल्लाह ताला ने लैलतुल कदर में नाजिल किया, और पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला ने लैलतुल कदर में नाजिल किया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर, लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर, और ये ऐसी रात होती है कि जो हजार महीनों से बेहतर होती है। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, और इस दिन अल्लाह ताला के फरिश्ते उतरते हैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, सलाम उन्हिया हत्ता मतलब फजर, और ये फजर तक सलामती ही सलामती होती है, और ये हज़ार महीनों से बेहतर है। इसी रात में अल्लाह ताला ने कुरान पाक को भी नाजिल किया, इसी रात में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान भी इस ज़मीन के ऊपर कायम किया। और कुरान पाक का मकसद क्या है, दुनिया से शर्क खत्म करना, और पाकिस्तान का मकसद क्या है, पाकिस्तान का मकसद भी है ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही पाकिस्तान का मकसद है और यही कुरान का मकसद है। और ये पाकिस्तान इसी मकसद के लिए बना था कि यहाँ पर खिलाफत आए, अल्लाह का निज़ाम आए, पाकिस्तान से भी शिर्क ख़त्म हो, और फिर पाकिस्तान के ज़रिए पूरी दुनिया से शिर्क ख़त्म हो। और ये बातें तो हमें पता ही थी, लेकिन अब ये जो इस लड़की का ड्रीम है, इस बच्ची का, उसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अब पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएंगी, ये लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, ये जो आग लगा देते हैं, कभी कभी एक बिल्डिंग्स पे हमले करते हैं, कभी लड़ाई झगड़े करते हैं, कभी एक दूसरे को मारते पीटते हैं, ये सब इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी।
और ये बच्चों को, फैमिलीज को, सबको समझना ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है। क्यों? इसमें क्या होता है कि आप एक पार्टी दूसरी पार्टी को बुरा कहती है, एक बंदा दूसरे बंदे को बुरा कहता है, एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन को बुरा कहता है, सब पॉलिटिशियन मिलकर एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को, हमारे जो इदारे हैं, शहीद हैं, उन सबको बुरा कहते हैं। तो इस तरह से ये सब चल रहा होता है, लड़ने झगड़ने वाला मामला है। हालांकि इस्लाम जो है वो तो मिलने जुलने वाला मामला है, वो तो मिल के रहने का मामला है, दोस्ती का मामला है, भाईचारे का मामला है। तो इसलिए इस पॉलिटिशियन को, पॉलिटिक्स को ख़त्म होना चाहिए, सब मिलकर एक गवर्नमेंट हो और सब मिलकर एक इतिहाद पे हो और सब मिलकर एक अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह ताला जिसको चाहे वो खलीफा बना दे, जिसको चाहे अल्लाह ताला हुकूमत दे दे और फिर वो डिसिप्लिन कायम करे। हाँ, सज़ा सिर्फ उसको हो कि जो किसी को बिलावज तकलीफ दे, लोगों का माल रसद करे, चोरी डाका करे, जना करे, कोई इस तरह का काम जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है, जिससे लोगों को तकलीफ होती है, सिर्फ ऐसे लोगों को सज़ा मिले और बाकी सब हंसी खुशी रहें और फिर अल्लाह ताला की रहमतें भी आएंगी, बरकतें भी आएंगी, पाकिस्तान में इतनी खुशहाली हो जाएगी इंशाल्लाह कि पाकिस्तान एक सुपर पावर बन जाएगा। यहाँ से फिर एक पूरी अल्लाह ताला शुरू करवाएगा खिलाफत, जो यहाँ से स्टार्ट होगा और पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए। ये पूरी स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है, ये जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि ये रियल लाइफ स्टोरी है, और ये जो ड्रीम, ये पूरा जो मैंने आपको सीन बताया है, ये ड्रीम है। और ये ड्रीम किसका है? ये आपकी, आपकी का, यानी मेरी, आपके अवैस भाई की वाइफ का ड्रीम है। और अब आप सब वेट करें, बहुत जल्दी इंशाल्लाह पाकिस्तान में खिलाफत आने वाली है और पाकिस्तान के तमाम हालात ठीक होंगे। और आप सब ने भी दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जल्दी जल्दी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।